कल मैंने रुकनी नित नवा हूँ गाना आऊ बेशक आ लाइना सिद्धू मूसे वाले दे गीत दियां ने पर अज इन्हां दा जिक्र जैनी जौल दे वल्लों कीता गया है। जैनी जौल ने यह लाइना कित्थे ते क्यों वरतियां ने यह भी दसांगे पर उस तो पहला गल करदे हां जैनी जौल दे नवे गीत दी। दरअसल कुछ दिन पहला जैनी जौल ने सिद्धू मूसे वाले लई इंसाफ मंगदियां एक लैटर टू सीएम नाम दा गीत गाया सी। इस गीत विच खास गल यह सी कि इस राही जिथे सिद्धू मूसे वाले ते संदीप नंगल अंबियां लई इंसाफ मंगिया गया सी उत्थे ही पंजाब सरकार अते मुख मंत्री ते भी निशाना साध्या गया सी। इस गीत दे रिलीज़ होण तो बाद कुछ घंटियां च ही लखां लोकां ने इस गीत नू देखिया सी। पर एक दिलचस्प गल ए भी है कि इस गीत नू रिलीज़ होण तो कुछ घंटियां बाद ही यूट्यूब तो डिलीट भी करवा दिता गया सी। हालांकि इस गीत नू किसने अते क्यों डिलीट करवाया है जां किस कारण यह गीत डिलीट किया गया है यह अजे तक स्पष्ट नहीं है। उत्थे ही गीत डिलीट होने मगरों सिद्धू मूसेवाले के माता पिता ने भी जैनी जौल के हक च एक बड़ा बयान दिता सी। उन्हां कहा सी कि सारी पंजाबी इंडस्ट्री विचों दो कुड़ियां ने सिद्धू लई आवाज चुकी है पर उन्हां नूं भी दबाउण लई परचे पाउण दीआं धमकियां दित्तियां जा रही ने। उन्हां कहा सी कि असीं जैनी जौल के नाल खड़े हाँ तो जेकर कोई परचा कट्टणा तां साडा भी नाम नाल ही पा दिओ असी भी जेल च ही बैठांगे। पर हुण जैनी जौहल ने एक पोस्ट सांझी कीती है जिस तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जैनी ने उसका गीत डिलीट करवाउण वालियां नूं जवाब दिता है। खास गल यह है कि जैनी जौहल ने सिद्धू मूसेवाले के एस वाई एल गीत दियां लाइनां राही सिद्धू के अंदाज विच ही जवाब दिता है। जैनी जौहल ने लिखा है कि कलम नहीं रुकनी नित नवा हुण गाना आऊ। उत्थे ही जैनी जौहल ने एक वीडियो भी सांझी कीती है जिस विच उन्हां ने गीत अते उन्हां नूं सपोर्ट करन वालियां दा धन्नवाद कीता है तां उह तुहानूं भी दिखा दिंदे आ उह पूरी वीडियो। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सब दा? ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਊ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਟੂ ਸੀਐਮ ਨਾਮ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਲਈ इंसाफ मंगया गया सी उत्थे ही पंजाब सरकार अते मुख मंत्री ते भी निशाना साध्या गया सी। इस गीत दे रिलीज़ होण तो बाद कुछ घंटियां च ही लखां लोकां ने इस गीत नू देखिया सी। पर एक दिलचस्प गल ए भी है कि इस गीत नू रिलीज़ होण तो कुछ घंटियां बाद ही यूट्यूब तो डिलीट भी करवा दिता गया सी। हालांकि इस गीत नू किसने अते क्यों डिलीट करवाया है जां किस कारण यह गीत डिलीट किया गया है यह अजे तक स्पष्ट नहीं है। उत्थे ही गीत डिलीट होने मगरों सिद्धू मूसेवाले के माता पिता ने भी जैनी जौल के हक च एक बड़ा बयान दिता सी। उन्हां कहा सी कि सारी पंजाबी इंडस्ट्री विचों दो कुड़ियां ने सिद्धू लई आवाज चुकी है पर उन्हां नूं भी दबाउण लई परचे पाउण दीआं धमकियां दित्तियां जा रही ने। उन्हां कहा सी कि असीं जैनी जौल के नाल खड़े हाँ तो जेकर कोई परचा कट्टणा तां साडा भी नाम नाल ही पा दिओ असी भी जेल च ही बैठांगे। पर हुण जैनी जौहल ने एक पोस्ट सांझी कीती है जिस तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जैनी ने उसका गीत डिलीट करवाउण वालियां नूं जवाब दिता है। खास गल यह है कि जैनी जौहल ने सिद्धू मूसेवाले दे एस वाई एल गीत दियां लाइनां राही सिद्धू दे अंदाज विच ही जवाब दिता है। जैनी जौहल ने लिखा है कि कलम नहीं रुकनी नित नवा हुण गाना आऊ। उत्थे ही जैनी जौहल ने एक वीडियो भी सांझी कीती है जिस विच उन्हां ने गीत अते उन्हां नूं सपोर्ट करन वालियां दा धन्नवाद कीता है तां उह तुहानूं भी दिखा दिंदे आ उह पूरी वीडियो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਦਾ?
ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।